एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी तक हमने क्या सीखा था? कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना हमने देख लिया था। टू ईयर के लिए एंड थ्री ईयर के लिए हम देख चुके हैं, एंड उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the compound interest on? What is the compound interest on 20,000 for 9 months at the rate of 4% per annum when interest is compounded quarterly? देखो क्या given है, हमारा जो P given है वो कितना है 20,000, and time हमारा given है 9 months, एंड रेट कितनी गिवन है 4%। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कैसे दिया गया है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली क्या होता है, जैसे हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली में क्या होता है, जो टाइम होता है वो डबल, एंड जो रेट होती है वो क्या हो जाती है हाफ। ऐसे ही क्वार्टरली में क्या होता है, जो टाइम होता है वो 4 times, एंड रेट जो होती है वो 4 से क्या हो जाती है डिवाइड। तो देखो ये कितना है 9 months, तो 9 months को 4 से अगर हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने मंथ हो गए, 36 months। तो 36 months का मतलब क्या है, 36 months मतलब 3 years। क्या है 3 years, और रेट को क्या करते हैं हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो रेट कितनी परसेंट आ गई 1%। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो टाइम है 3 years, रेट है 1%, एंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो कितने पे, 20,000 पे 3 years के लिए हमें क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट। तो 20,000 का क्या निकालेंगे हम, 1%। पहले भी हमने देखा हुआ है, सिर्फ पहले वाले वीडियो में, अगर किसी को ये वाला कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फर्स्ट वीडियो जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट पे पड़ी है, देख सकते हो प्लेलिस्ट पे वो पड़ी हुई है। बाकी मैं यहाँ पे आपको फिर से बता देती हूँ, अगर टाइम कितना है 3 years, एंड रेट तो कितनी भी हो सकती है 1, 2, 3, 4, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 20,000 का रेट के अकॉर्डिंग 1% है, तो 20,000 का 1% निकालेंगे जो कि कितना होगा 200। क्लियर। अब थ्री ईयर है तो हम इसको 3 times निकालते हैं, अगेन 1% निकालो तो कितना आएगा 2, एंड अगेन 1% निकालेंगे तो हम कितना मिलेगा 0.02। इतना क्लियर है। क्या किया, अगर टाइम 3 years गिवन है एंड रेट हमारी यहाँ है 1%, तो 20,000 का 1% हमने कितनी बार निकाला है, 3 times। फर्स्ट टाइम 1% निकाला, कितना मिला 200, सेकेंड टाइम कितना मिला 2, एंड थर्ड टाइम कितना मिला हमें 0.02। अब क्या करते हैं, 1, 2 and 3, 3 digits हमें मिली है, फर्स्ट वाले को 3 से, सेकंड को भी 3 से, एंड थर्ड को किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, कितना आया 600, ये आया 3 times 6, 0.02। क्लियर है। अब क्या करते हैं, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों को ऐड कर देते हैं, क्या मिलेगा 606.02। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें जस्ट अ मिनट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन अ सम ऑफ रुपए इतना फॉर 2 years एट 12% पर एनम। 2 year टाइम गिवन है एंड 12% क्या गिवन है, रेट। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 monthly। देखो हमने हाफ ईयरली देख लिया है, क्वार्टरली देख लिया है, एंड अब हम क्या देखने वाले हैं, मंथली।
तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि हम निकालते कैसे हैं। हाफ ईयरली था तो देखो, टाइम को हमने किससे डिवाइड किया? टाइम को टू से डिवाइड किया। देखो क्यों किया टू से? हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? जैसे हम मानते हैं एक ईयर कितने मंथ का होता है? 12 मंथ का। अगर मैं इसको टू में डिवाइड करूँ तो हाफ हाफ में करो तो कितना हो जाएगा? 6 6 मंथ। अब टाइम है, टाइम को क्या करते हैं, समय को हम क्या करते हैं, दुगना। एंड जो हमारी रेट है वो क्या हो जाती है? आधी। तो क्या करते हैं, देखो टाइम कितना है? टू। तो इसको मैंने क्या किया, जब शर्त हाफ ईयरली थी तो देखो इसको क्या किया, ऊपर लिखा 12, सबसे पहले उसको मंथ में कन्वर्ट करते हैं, देन जितने भी मंथ का हमें कंडीशन गिवन है उससे डिवाइड कर देते हैं। 6 2 12 एंड 2 2 4, तो हमारा टाइम कितना हो गया? 4 ईयर। क्लियर है? अब 8 मंथ है तो 8 मंथ को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? देखो 2 ईयर है, इसको पहले मैंने मंथ में कन्वर्ट किया, कितना आ गया? 24। अब उसे 8 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आया? 3। इट मीन्स 3, उसका टाइम कितना आया? हर देखो 8 महीने का टाइम है तो 24 महीने के लिए कितनी बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 3 टाइम। ये कितना आएगा? 3 टाइम इंटरेस्ट। क्लियर है? ये भी 2 ईयर नहीं हुआ था, 2 टाइम। इसको क्या मानेंगे हम? इसको क्या मानेंगे हम? 4 टाइम, ठीक है ना, कि ईयर। अब देखो ये 12% है, परसेंट रेट क्या हो जाती है हमारी? आधी। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, रेट उसको 12 से क्या करेंगे? डिवाइड, देन 8 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 12 से 12 कैंसिल आउट तो कितनी हो जाएगी? 1%। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको अगर अच्छे से याद करना है तो देखो, समय को क्या करते हैं, टाइम को क्या करते हैं? 12 अपॉन जितना भी कंडीशन गिवन होता है उससे डिवाइड। एंड रेट को क्या करते हैं हम, 12 को नीचे ले जाते हैं एंड जो भी मंथ गिवन होता है उसे ऊपर लिखते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया तो 8 बचा, और ये 2 4 जा एंड 4 3 जा। क्लियर है? टाइम में 12 ऊपर आता है एंड रेट में 12 नीचे आ जाता है। जो भी मंथ गिवन होता है उसको हम लिख देते हैं। देन सॉल्व आउट किया तो 3 ईयर टाइम, 3 तो टाइम मिला है एंड 8% हमें क्या मिली है? रेट। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है तो वही प्रोसेस हम लगाने वाले हैं। 1% कितना मिलेगा? 4 0। देखो कितना मिला? 00। कैंसिल आउट हो जाएगी 0, तो क्योंकि परसेंट है, 100 से कैंसिल आउट हो जाएगी। 8 5 जो 44 16, 0 एंड 2 एंड 50, कितना मिला? 5000। अगेन इसका 8% हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 400। एंड अगेन इसका 8% अगर मैं निकालती हूँ तो कितना मिलता है? 32। डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3, इसको भी 3 से एंड इसको किससे करेंगे? 1 से। 15000 एंड दिस इज 1200 एंड दिस इज 32। तो इसमें एड ऑन करो, क्या मिलेगा? 2 3 2 6 एंड 1। सो दिस इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बात और देखना, ये जो मिला है वो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो फर्स्ट में हमें मिलता है वो क्या होता है? जो हमें फर्स्ट में मिलता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। एंड ये जो 2 डिजिट है ये क्या होती है हमारी? दोनों का डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे कितना मिलने वाला है? 1232। आप इसे चेक भी कर सकते हो, 1500। तो देखो कितना मिला? 1232, जो कि क्या होता है हमारा? डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड बी अर्न ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इतना फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग कंपाउंडेड इंटरेस्ट एज अपोज टू सिंपल इंटरेस्ट।
देखो कुछ नहीं गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है, बोला है कि इतने प्रिंसिपल पे इतने ईयर के लिए 10% रेट पर अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो वो सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा होता है। इट मीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले उससे ही करेंगे, ट्रिक से, क्योंकि उसमें सिंपल इंटरेस्ट पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और जो बीच वाली जो संख्या होती है वो डिफरेंस ही होती है दोनों का, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी ना फाइंड आउट करके वहाँ डिफरेंस तक ही फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे होगा, सबसे पहले 15,000 2 ईयर के लिए है तो कितना, 2 बार निकालेंगे 10%। क्लियर, 1500 मिला, अगेन 10% निकालो, इसका कितना मिलेगा 150। तो ये जो 150 होता है यही हमारा क्या होता है डिफरेंस। कैसे होता है मैं आपको पूरा करके दिखा देती हूँ। 2 ईयर के लिए है, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना मिला 3000, इसको 1 से करेंगे 150। यहाँ तक क्लियर है, मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड करो तो क्या होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कितना मिलेगा 3150। अब सीआई में से अगर मैं एसआई को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये जो बीच में आता है संख्या वही मुझे मिलने वाली है। देखो 3150 एंड 3000, 051, 150 मिला। तो ये जो बीच का जो संख्या होती है वही क्या होती है इन दोनों का डिफरेंस। तो हमसे वही पूछा गया था कि ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो इससे एक बात और समझनी है हमें कि अगर क्वेश्चन में आपसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे तो आप नॉर्मली भी क्या कर सकते हो, जो प्रिंसिपल गिवन है या जो रेट गिवन है उसको 2 बार निकाल सकते हो। कैसे, जैसे 15,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 10%, इसका 2 बार 10% निकाल दो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, दोनों का डिफरेंस, सी आई एंड एस आई का डिफरेंस। तो अगर क्वेश्चन में सी आई और एस आई का डिफरेंस आपसे पूछे तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, पी मल्टीप्लाई आर परसेंट मल्टीप्लाई आर परसेंट, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो, पी मल्टीप्लाई आर परसेंट का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी पे बेस्ड करने वाले हैं, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सम ऑफ मनी लैंड फॉर 2 ईयर एट 20% इंटरेस्ट पर एनम इज 18। देखो यहाँ पर हमें डिफरेंस ही गिवन है, तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था प्रिंसिपल आर परसेंट मल्टीप्लाई आर परसेंट हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है डिफरेंस, जो कि हमें कितना गिवन है 80। आर परसेंट कितना गिवन है 20, रेट समय वो 2 ईयर है इसलिए हमने 2 बार रेट परसेंट लिखा है, पी हमें फाइंड आउट करना है। तो 20% कितना होता है, देखो 20% कितना होता है 1/5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/5 अगेन 1/5 80, पी की वैल्यू निकालनी है हमें 85, 5 तो 25 25 8 जा 200, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 2000। क्लियर है, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो ये हमने कितने ईयर के लिए निकाला है, 2 ईयर के लिए डिफरेंस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो डिफरेंस था वो कितने ईयर के लिए निकाला, 2 ईयर के लिए, तो उसका एक फॉर्मूला हमने बना लिया था डायरेक्ट। लेकिन अगर 3 ईयर के लिए पूछे, 3 ईयर के लिए डिफरेंस पूछे तो हमें वही जो सेम प्रोसेस हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए किया था वही हमें करना होगा। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा है, देखो कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5000 एट अ रेट ऑफ 8% फॉर 3 ईयर। 3 ईयर के लिए पूछा है तो आर परसेंट आर परसेंट आर परसेंट 3 बार तो नहीं कर सकते हैं, तो देखो हमें क्या करना होगा, क्यों नहीं कर सकते, देखो ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला था, 3 बार 8% करके निकालो इसका 8%, 400 अगेन 8% निकालो 32,
अगेन मैं 8% की बात करती हूँ तो क्या आएगा, 32 का 8% निकालो, 25, 64, 2 point something कुछ आने वाला है, ठीक है? तो हम इसको पूरा नहीं निकालते क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नियरेस्ट, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी हमारी, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 1, कितना मिलेगा ये, 1200। इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये क्या होता है हमारा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर है? अब ये जो 2 मिलते हैं ये हमारे क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें ये 2 को ही क्या कर सकते हैं हम, फाइंड आउट। इसलिए हमने 3 बार 8% डायरेक्ट ना निकाल के पूरा स्टेप हमने फॉलो किया है, क्योंकि जो सेकेंड स्टेप होता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है, 3 से, इसलिए हमें पूरा स्टेप इस करना होगा। फिर जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं यही हमारा क्या होता है, डिफरेंस। तो हम आगे पूरा कैलकुलेट ना करके इन दोनों को ही क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट, जो कि कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखो 96 के नियरेस्ट कौन है सबसे, क्योंकि उसमें क्या ऐड होने वाला है, 2। तो 2 देखो, 2 भी करेंगे तो कितना होगा, 98। तो 98 के आस पास, 98 के पास में कौन सा है, 99। तो 99 क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है सभी को? आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी आया है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।